आप ऐसा देखो चलिए देखिए ऐसा है कि आज समझिए एक सेलिब्रेशन का माहौल है हमारे पास मुकर्रम जा बहादुर जो हमारे निज़ाम निज़ाम ऑफ हैदराबाद उनकी 86th बर्थडे है तो उसके उसमें हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर मुकर्रम जा प्रोफेसर एजुकेशन लर्निंग पुरानी हवेली है और हम दुआ करते हैं कि हमारे निज़ाम सरकार को लंबी उम्र हो सेहत के साथ और आज इसलिए भी हम यहाँ पे आए हैं। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सी समझे इमारत है फॉर मेनी रीजन अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पैलेस महल के अलावा इसमें 6 महल हैं और मुख्तलिफ खूबसूरत विंग्स हैं इंडिया की सबसे लंबी वार्डरोब है वन ऑफ द फाइनेस्ट कलेक्शंस ऑफ सिल्वर जुबली ट्रस्ट म्यूजियम में है और ये मसरत महल पैलेस जो मेन महबूली बादशाह का पैलेस था वो ये है। यहाँ पे जब 67 में मुकर्रम जा बहादुर निज़ाम कोऑर्डिनेट में उसके बाद ऐसे हुआ कि वो देना चाह रहे थे जो सब में उनको अजीज़ है और वो वक्त के वो एजुकेशन के लिए तो पुरानी हवेली इसी के लिए यहाँ पे स्कूल रन करता है तकरीबन 3,000 बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं विद अ वेरी कंफर्टेबल फी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा सा फी स्ट्रक्चर ताकि यहाँ के लोग आए और अच्छे से अच्छा एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझिया यू नो यहाँ पे हासिल हो सके। ICSE करिकुलम है हमारा जो सेंट्रल बोर्ड है ना कि स्टेट बोर्ड सेंट्रल बोर्ड है तो हम चाहेंगे वो एक्सेल करेंगे और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे स्कूल रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं पर हम अब हमारा एक वो है कि हम उसे अब राइट नाउ जस्ट स्कूल से लेकर हम स्कूल ऑफ एक्सलेंस समझिया इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सलेंस की तरफ पहुँचाना चाह रहे हैं ताकि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द सिटी और शायद पॉइंट पे वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द कंट्री कई समझिए आप जागीरदास कॉलेज जो उस्मानी पाशाह ने बनाया था उनकी खूबी मेरी बेखान उमरा के इस्टेट पे और समझिए वो हिंदुस्तान का वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉप 5 इंस्टीट्यूशन में है
तो मैं सोचता हूँ कि वाई नॉट द हैदराबाद यू नो द मुकर्रम जा स्कूल इज वेल कि इसको भी समझे हैज वन ऑफ द फाइनेस्ट पैलेसेस इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है तो ये भी इमारत समझी और ये भी जगह एक्सेलेंस एजुकेशन के इन फील्ड ऑफ एजुकेशन में एक्सेल कर सकती है काफ़ी काफ़ी महफूज है महफूज है और बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी ट्रस्ट काफ़ी एग्रेसिवली अब वो पूरे प्रॉपर्टीज़ को समझिए आप जैसा कि शाही जुलू खाना है उस्मानगंज की प्रॉपर्टीज़ है पुरानी हवेली की प्रॉपर्टीज़ है उसको हम डबल पूरे के हैं जो भी प्रॉपर्टीज़ को हम चाह रहे हैं कि उसकी आमदनी बढ़ाएँ और उसका समझिए एजुकेशन में हम उसका समझिए आप बेहतर इस्तेमाल कर सकें अमाउंट्स को समझो वो सम्स को एजुकेशन में मेनी वेज समझिए हम इसको और इन्हेंस कर सकें बच्चों की तालीम बेहतर कर सकें और शायद इसमें और चीज़ें यू नो मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर सकें तो वो हमारा वो है कि आजकल गरीब लोग जो होते हैं वो पत्ते कितने मतलब पत्ते के लोगों के बच्चे आपके पास कितने लोग ये बनाया इसीलिए गया था कि आप जैसा अभी हमारे मेहमान खुसूसी बता रहे थे कि 15-20 साल पहले जब हैदराबाद आए थे द यूनाइटेड नेशन डेलीगेशन जब हमारे पास एक 10-15% लिटरेसी रेट था वो सिटी में हैदराबाद में हैदराबाद के ओल्ड सिटी में अब काफ़ी बढ़ चुका है हैदराबाद के ओल्ड सिटी में काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं हैदराबाद की ओल्ड सिटी में काफ़ी लोग इंजीनियरिंग कॉलेज को जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज को जा रहे हैं काफ़ी बच्चियाँ ओल्ड सिटी से पढ़ रहे हैं मैं खुद देख रहा हूँ मेडिकल कॉलेज में काफ़ी स्टूडेंट फ्रॉम द ओल्ड सिटी मेडिसिन कर रहे हैं तो वो हिसाब से समझिए बहुत बड़ी अच्छी बात है कि लोगों में अवेयरनेस आया है तो ये स्कूल बना ही गया था इसीलिए कि ये लोकल कम्युनिटी का हमारा मतलब ये नहीं होता है कि कास्ट क्रीड रिलीजन ओल्ड सिटी कम्युनिटी अपना हैदराबादी कम्युनिटी को हम तालीम दे सकें एट अ वेरी रीजनेबल एंड वेरी कम्फर्टेबल समझो जो हम आज तक हम उसे फॉलो कर रहे हैं पर हमें इसमें थोड़े इन्फॉर्म कराना पड़ेगा ताकि हम इसे और क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकें ताकि हमारा हर बच्चा कैन एम फॉर द हाइएस्ट हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे IIT में जाएं हम हर ये नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज पर जाएं और इंजीनियरिंग करें जो हमारे बच्चे बहुत अच्छे मैं खुद एक बच्चे से मिला था न्यूयॉर्क में 2 साल तक जब मैं गया था एक बच्चा आया 7 सीरीज BMW मुझे पिक किया और जब मैं पूछा कि और मुझे एक कॉन्फ्रेंस में ले जा रहे थे वो तो मेरे होटल से मुझे पिक किए तो जब मैं पूछा उनसे कि आप कहाँ पे आपने तालीम इख्तियार की है आई मीन आपकी तालीम कहाँ पे हुई है तो बताया कि मुकर्रम जा स्कूल फादर स्टॉनिश के वो इंजीनियरिंग के यहाँ इसके बाद और ही वॉज डूइंग वेरी वेल फॉर हिमसेल्फ इन स्टेट इन सिटी लाइक न्यूयॉर्क तो बात यह है कि बच्चे अच्छा करते हैं मगर हम चाह रहे हैं कि वहीं पर लिमिट नहीं करें हम चाहें कि हमारे बच्चों को मेरिट में मेडिसिन में सीख मिले हमारे बच्चे IAS IPS IFS IRS करें हमारे बच्चे इंजीनियरिंग में IIT IIT में जाएँ बिट्स प्रधानी में जाएँ हमारे बच्चे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ जैसे कि सत्यनारायण ला कहाँ से वो तो हैदराबाद से हैं अजय बंगा कहाँ हैदराबाद से हैं तो कई लोग जो हैदराबाद से हैं हम चाहेंगे कि हमारे स्कूल से भी ऐसे बच्चे जाएँ और एक्सेल कर सकें व्हाई नॉट देखिए भाई बड़ा ग्राउंड है मगर हमारे पास ये ग्राउंड को ऐसा बनाना है कि देखिए कि कई चीज़ें इसमें देखिए एक फील्ड में जैसा कि आजकल देखिए आप ज़मीन और प्रॉपर्टी और एक्सटेंड बहुत बड़ी चीज़ है ओपन जगह होना तो हमारे पास है मगर वी हैव टू पुट इट टू गुड यूज़ इन वन एंड ऑल देखिए हमारे पास वो क्रिकेट फील्ड भी और बनना चाहिए उसको उसमें फुटबॉल भी कंडक्ट होना चाहिए उसमें हॉकी भी होना चाहिए हर गेम और हर चीज़ होना चाहिए वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन और बड़ी अच्छी बात यह भी हमारी मैं ये देख रहा था कि हमारे बच्चे रिसेंटली एक मेजर टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल्स में आके वो हैदराबाद हम स्कूल से खेले जो वन ऑफ द फाइनल साइड्स है तो हमारे बच्चे आए और खेले और काफ़ी अच्छा खेले तो वो अच्छी बात यह है कि वी आर प्रोग्रेसिंग द राइट डायरेक्शन मगर देखिए आप ओवरनाइट आप चेंज नहीं एक्सेप्ट कर सकते एक्सपेक्ट कर सकते हैं इट टेक्स अ वाइल और इट हैज ग्राफ हैज टू बी ग्रेजुअल और उसके लिए हमारे को बेहतर कोचेस स्टाफ मेंबर्स को समझे ब्रीफिंग्स बराबर होनी चाहिए पार्टिसिपेशन होना चाहिए स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए पेरेंट्स भी समझना चाहिए कि क्या चाहिए हमारे बच्चे देखिए अभी जो NCC के हम देख रहे हैं क्या फिनोमिनल दैट जस्ट गॉन फॉर कैंप और वो भी बच्चियाँ गए हैं ओवर फर्स्ट डे कैंप बड़ी बड़ी बात है द वे दे आर कंडक्टिंग देमसेल्फ विद कॉन्फिडेंस एंड ऑल दैट दैट्स अ थिंग ऑफ प्राइड फॉर अस And I think we are in the right direction. I wouldn't say we are up there,
But we have to reach up there, and this has to be a gradual, but we'll have to have a time frame. 5 years, 7 years, we're going to be able to. And I'm sure we'll be able to. If every ingredient, we have every infrastructure that is required to be able to. And you'll see in a year's time, our property, our institution, our Purani Haveli, is going to be on the tourist map as well. If you people really log in here, what they want to see is. Well, of course, school hi rahega, school of eminence rahega, par log jaisa ki dusre schools ko aate hain, jaisa public school ko aage par dekhna chahte hain, bas hum ye hoga barabar very soon, ki log aakar ye bhi great institutions ko dekhna chahte hain.